आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे मिलती रहती है। एक और मैराथन क्लास जिसमें प्राचीन ओलंपिक, बॉडी टाइप, जो भी फिजिकल एजुकेशन के बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एनिशियंट ओलंपिक हो गया, प्राचीन ओलंपिक हो गया, या कोई और गेम से संबंधित क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उसकी मैराथन क्लास में लेके आ गए हैं, जिसमें 200 के लगभग क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे बीजिंग ओलंपिक से संबंधित हो गए, तो इनको आप वैसे देख भी सकते हो, नहीं तो एट प्रेजेंट करंट अफेयर के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पीछे ओलंपिक हो चुके हैं उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। मैराथन क्लास को मैं शुरू करूं उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे मिलती रहती है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक जरूर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच इवेंट डिड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक? बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था तो वहां पे इंडिया ने किस इवेंट में जो है गोल्ड जीता था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, शूटिंग में जो है इंडिया ने गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक में, याद रखें। इसके बाद है, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन एट बीजिंग ओलंपिक? चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पे कितने रिकॉर्ड जो है टूटे थे ओलंपिक्स के? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन बीजिंग ओलंपिक्स? बीजिंग ओलंपिक में इंडिया ने कौन सी रैंक जो है अचीव की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50वीं रैंक, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मैनी कंट्रीज वर फर्स्ट टाइम मेडल विनर अमंग 87 कंट्रीज हु वोन मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक? कितने ऐसे कंट्री थे, 87 जो देश थे उनमें से, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पहली बार कोई मेडल जीता था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बी कुबर्टिन बिलोंग्स टू? बी कुबर्टिन कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा फ्रांस। इसके बाद है, विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक? वो पहले भारतीय कैप्टन जिसको ओलंपिक में पहली बार विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होने का मौका मिला? तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयपाल सिंह, वो पहले हॉकी के कैप्टन थे जिसको विक्ट्री स्टैंड पर ओलंपिक में खड़ा होने का मौका मिला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक? ओलंपिक के अंदर इंडिया का नेशनल जो एंथम है, राष्ट्रीय जो गान है, वो पहली बार कब गाया गया था? 1948 के लंदन ओलंपिक में पहली बार ये गाया गया था। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि कितने शानदार क्वेश्चन है। जैसे आठवां क्वेश्चन आ गया, मेसोमॉर्फी इज करेक्टराइज्ड बाई, जो मेसोमॉर्फी है वो किसके द्वारा करेक्टराइज किया जाता है, कैसे उसको पहचानोगे कि ये व्यक्ति मेसोमॉर्फी? तो दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, इसके दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो मेसोमॉर्फी की पहचान यहाँ पे पूछी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्कुलिटी एंड स्ट्रेंथ वाला जो व्यक्ति होता है वो मेसोमॉर्फी होता है। तो सेल्डन ने आप सभी को पता है तीन प्रकार के व्यक्ति बताए थे, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ अंडे के आकार का फैटी, एक्टो थिन बॉडी का दुबला पतला। इसके बाद लीन बॉडी मासिज, लीन बॉडी मास क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसल्स, बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी जो कहलाता है लीन बॉडी मास, मसल, बोन एंड नॉन अदर नॉन फैट टिश्यू। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग
प्रिपेयरिंग द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिकल प्रोफाइल तैयार कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है, तो 10 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा वेट एंड हाइट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब एंडोमार्फ की यहाँ पे पूछ ली विशेषताएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, एंडोमार्फ की विशेषताएं पूछी हैं, तो एंडोमार्फ जो व्यक्ति होता है वो फ्लैबी एंड फैटी होता है भाई। इसके बाद है हॉकी मैच, हॉकी मैच इन द ओलंपिक्स वर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ, जो हॉकी मैच थे वो पहली बार कब एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आयोजित किए गए थे ओलंपिक्स के अंदर, तो कौन से ओलंपिक में किए गए थे, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार जो है आपके हॉकी मैच जो है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आयोजित किए गए थे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीएस इन द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस स्टैंड फॉर, जो आपका ओलंपिक मोटो है सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, इसके अंदर जो एलटीएस इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है हायर, ऑप्शन सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ओलंपिक मोटो से संबंधित है, हु कॉइन्ड द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, ये किसने दिया था, ये दिया था हेनरी डिडोन ने भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन एंड अडल्ट, एडल्ट जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन है और जो मेंटली रिटायर्ड अडल्ट हैं वो इसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद है वो कंट्री जिसने पहली बार स्पेशल ओलंपिक गेमों को होस्ट किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इक्वलेड द जेसस ओवन फेटे ऑफ विनिंग 4 मेडल्स इन डिफरेंट इवेंट्स इन ओलंपिक, किसने बराबरी की भी जेसे ओवन्स की 4 अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स में ओलंपिक मेडल जीतने की, ये रिकॉर्ड उनके नाम था पहले, तो किसने की, कार्ल लेविस ने ये बराबरी जो है की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 18 नंबर क्वेश्चन, अटलांटा ओलंपिक मार्क्ड, अटलांटा ओलंपिक को मतलब क्यों भाई मार्क किया गया, मतलब क्यों उसका नाम है, क्या स्पेशलाइजेशन है अटलांटा ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सेंचुरी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की सेंचुरी होगी थी भाई 1996 में, क्योंकि 1896 में शुरू हुए थे ना, तो 1996 में क्या हुई यहाँ पे इसकी सेंचुरी होगी थी भाई। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड, फिजिकल एजुकेशन हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये किसने दिया, ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो किसके चार्टर में लिखी गई है, यूनेस्को के चार्टर में लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये। इसके बाद फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया इन द ईयर, पहले जो मॉडर्न ओलंपिक थे वो ग्रीस में कब आयोजित किए गए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 776 BC। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेशमर बॉडी क्लासिफिकेशन, कौन सा इनमें से जो है क्रेशमर दिया गया, क्रेशमर द्वारा दिया गया बॉडी क्लासिफिकेशन है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से राइट आंसर चूज करना, तो ये है डायप्लेस्टिक जो है दिया गया क्रेशमर के द्वारा, बाकी 3 किसके द्वारा दिए गए थे आपके सेल्डन के द्वारा। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्डन से संबंधित, सेल्डन बॉडी टाइप्स क्लासिफिकेशन इज, सेल्डन ने बॉडी टाइप्स का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, तो ये तीनों ही सेल्डन के द्वारा बताए गए हैं, ऑल ऑफ द अबो। इसके बाद है जो जर्मनी में ट्रनवियर आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लुडविक जोन के द्वारा। नेक्स्ट है वेहर विल द 30th ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन 2012, 2012 के जो ओलंपिक थे वो कहाँ पे हुए थे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, 2012 के जो ओलंपिक थे वे यूके में हुए थे, लंदन में, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड फिजिकल एजुकेशन एज ए गोल्डन एज, कौन से कंट्री ने फिजिकल एजुकेशन के गोल्डन स्वर्ण काल को महसूस किया,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, एनिशियंट ग्रीस में जो है गोल्डन काल रहा फिजिकल एजुकेशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ओलंपिक मूवमेंट विद इन ईच कंट्री, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ओलंपिक मूवमेंट को हर कंट्री में लेके जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है लेके जाती है हर कंट्री में ओलंपिक मूवमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है, हु डिजाइन द ओलंपिक एम्बलम, ओलंपिक एम्बलम जो है किसने डिजाइन की थी भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेंडी कुबर्टीन ने भाई। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम का आइडिया किसने दिया था भाई, ओलंपिक फ्लेम का आइडिया किसने दिया था, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी, थियोडोर लेवाल्ड ने भाई, ऑप्शन बी। इसके बाद है, कौन सा ओलंपिक जो है पहली बार टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था, तो 29 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन ओलंपिक 1936 जो पहली बार टीवी पे जो है लाइव हुआ था। इसके बाद है, हु वर द वोमेन पार्टिसिपेट फॉर्मली एडमिटेड टू द ओलंपिक्स, वहन वर द सॉरी वहन मतलब पहली बार कब ओलंपिक में महिलाओं को जो है फॉर्मली एडमिटेड किया गया ओलंपिक्स गेम में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉकहोम में वही पहली बार जो है फॉर्मली महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था औपचारिक रूप से 1912 के ओलंपिक में। इसके बाद है, जो एनिशियंट ओलंपिक है वो किसके द्वारा बंद किए गए भाई, तो किसने बंद किया था, कहाँ के वो शासक थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोम, रोम के जो शासक थे उन्होंने इसको बंद किया था, हुए कब बंद, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आ गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 में आपका ऑप्शन ए, 394 एडी में बंद हो गए थे भाई। इसके बाद है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो है जिम्नास्टिक का फाउंडर कौन था, तो 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, एडोल्फ स्पाइसिज जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सिंबॉलिक ऑफ द राइज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन, स्वीडन में किसने जो फिजिकल एजुकेशन को राइज किया, तो यहाँ पे 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर हेनरिक लिंग ने भाई, लिंग ये जड गलत आ गया, यहाँ पे लिंग आएगा लिंग। इसके बाद है, हु पोस्टुलेटेड द सरप्लस एनर्जी थ्योरी, किसके द्वारा पोस्टुलेटेड की गई भाई सरप्लस एनर्जी थ्योरी, 35 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेंसर एंड सिलर के द्वारा ये दी गई थी भाई। इसके बाद है, विच थ्योरी ऑफ प्ले, प्ले मेंटेन्स द पास्ट इज द की टू प्ले, भाई कौन सी थ्योरी हमें बताती है कि पास्ट जो है खेलने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, या जो पास्ट की घटनाएं होने उन्हीं को भविष्य में बच्चे जो खेलते हैं, जो हमारी पास्ट की जो घटनाएं हैं वो आज खेल के रूप में जीवित हैं, तो कौन सी ये थ्योरी है, ये आपकी है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, इनहेरिटेंस और रिकैप्चुलेशन थ्योरी भाई, 36 में राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु सेड दैट प्ले इज नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ जर्मिनियल लीव्स ऑफ चाइल्डहुड, तो ये किसने कहा भाई, 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रोबेल के द्वारा ये बात कही गई थी। 38 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले किसके द्वारा दी गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले किसके द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लुमले भाई, राइट आंसर हो जाएगा लुमले। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है भाई, ये होती है ऑप्शन ए, एज इन ईयर्स मंथ एंड डेज, ये जो एयर होती है इसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं भाई। नेक्स्ट है, विच एज इज डिटरमाइंड बाई साइन ऑफ पुबर्टी, कौन सी एज जो पुबर्टी से पहचानी जा सकती है, तो ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल एज जो है पुबर्टी से आप जान सकते हो। अच्छा, ये अलग अलग एज होती हैं, जैसे आपकी मेंटल एज होगी, क्रोनोलॉजिकल होगी, एनाटॉमिकल हड्डियों वाली होगी, फिजियोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनसे संबंधित, क्रोनोलॉजिकल जो डेज ईयर महीनों में गिन सकते हो, मेंटल जो IQ नापते हैं वो। नेक्स्ट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका भाई, द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड, फिजिकल जो ग्रोथ है चाइल्ड की कब तक जो है बहुत तेजी से होती, तो अप टू 3 ईयर, 3 साल तक बहुत तेजी से होती है भाई शैशवावस्था में। इसके बाद है, द ग्रोथ ऑफ फीमेल इज मोर रैपिड देन बॉयज,
इन कौन से सालों में जो फीमेल की एज बॉयज की अपेक्षा ज्यादा तेजी से होती है ग्रोथ, तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 से जो 19 ईयर की जो साल होती हैं या उम्र होती है उसमें महिलाएं या लड़कियां लड़कियां जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं, जबकि बॉयज की वहां पे ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का कौन सा यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नुकसान हो सकता है भाई अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, तो इंजरी किसी चीज का बेनिफिट नहीं होती, नुकसान होती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द क्रेस्टमर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन मीन्स थिक इन ग्रीक, भाई जो क्रिश्चियन ने बॉडी टाइप दिया उसमें ठीक एक शब्द आया था उसका क्या मतलब है ग्रीक की भाषा में, तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिकनिक, ठीक का मतलब है पिकनिक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज टू एस्थेनिक बॉडी टाइप, एस्थेनिक बॉडी टाइप का कौन सा प्रकार जो है नीचे दिया गया है, एस्थेनिक बॉडी टाइप किस प्रकार की होती है, तो 45 के यहाँ पे नीचे दिए हुए मिलेंगे तीन ऑप्शन में, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा एस्थेनिक जो होता है भाई एक प्रकार से अस्थमा का मरीज, इसको कोरिलेट कर सकते हो, तो लीन सोलो चेस्टेड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब दुबला पतला भाई। इसके बाद बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डू वी एक्वायर वैल्यूज बिलीफ एंड बिहेवियर, किसके द्वारा हम जो है वैल्यूज एक्वायर करते हैं, बिलीफ्स और बिहेवियर हमारा प्रभावित होता है, तो किसके द्वारा होता है, 46 में राइट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन की प्रोसेस के तहत ये होता है, कई बुक्स में फिजिकल एजुकेशन भी आपको दिया हुआ मिल सकता है लेकिन यहाँ पे राइट आंसर है सोशलाइजेशन। इसके बाद है द एनिशियंट ओलंपिक वर हेल्ड इन विच मंथ, जो प्राचीन ओलंपिक है वो कौन से महीनों में आयोजित किए जाते थे, तो 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त एंड सितंबर में ये जो है आयोजित होते थे भाई, ऑप्शन बी। इसके बाद है विच इवेंट वॉज द फर्स्ट एंड द ओरिजिनल इवेंट फॉर ओलंपिक्स, तो कौन सा जो ओलंपिक है वो पहला और ओरिजिनल इवेंट था प्राचीन ओलंपिक में, तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा फुट रेस भाई, ऑप्शन ए। इसके बाद है द फर्स्ट ओलंपिक इवेंट लेस्टेड फॉर हाउ मेनी डेज इन 776 BC, जो पहला जो ओलंपिक इवेंट था वो कितने दिन तक चलता चला भाई 776 BC में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 में, 1 डे चलता था भाई। नेक्स्ट है द फेस्टिवल फॉर वुमेन हेल्ड इन होनर ऑफ द वाइफ ऑफ गॉड जियस वॉज, जो महिलाएं होती थी प्राचीन एनिशेंट ग्रीस में वहां पे वोमेन्स के लिए जो किसके सम्मान में गेम्स आयोजित होते थे, या जो गॉड जीएस था उसकी वाइफ का क्या नाम था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेरिका, ऑप्शन बी। इसके बाद है द एनिशेंट ओलंपिक्स वर क्लोज डाउन ड्यू टू 8 डिग्री पास्ट बाई, किसने बंद किए भाई, वही क्वेश्चन है, तो थियोडियस 1 ने ये बंद किए थे भाई। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देर वॉज ए ब्रेक ऑफ हाउ मैनी सेंचुरी बिटवीन द मॉडर्न एंड एनिशियंट ओलंपिक्स, मतलब जब प्राचीन ओलंपिक बंद हुए और वर्तमान जब ओलंपिक शुरू हुए तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, तो 52 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सेंचुरी का भाई। इसके बाद है मॉडर्न ओलंपिक वर रिवाइव्ड इन, कब मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुए, तो 1896 में भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द एनिशियंट ओलंपिक लेस्टेड फॉर हाउ मेनी सेंचुरी, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 नंबर, हाउ मेनी ओलंपिक गेम्स इन ऑल वर हेल्ड इन एनिशियंट ओलंपिक गेम्स, कितने खेलों का आयोजन होता था प्राचीन ओलंपिक में, 55 में राइट आंसर हो जाएगा 293 भाई। नेक्स्ट है द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक वॉज ड्यू टू हार्ड वर्क ऑफ, किसके कारण भाई दोबारा ओलंपिक शुरू हुए मॉडर्न, पैरेंडी कुबर्टिन। इसके बाद है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वेयर हेल्ड इन, कहाँ पे आयोजित हुए थे, एथेंस में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है द वेन्यू ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज फिक्स्ड बाय, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है वेन्यू मॉडर्न ओलंपिक का, 58 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भाई। इसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ
द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिलेक्टेड फॉर, कितने सालों के लिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसके प्रेजिडेंट का जो है सिलेक्शन होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 ईयर भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर एलिजिबिलिटी फॉर कंपटीशन, कौन सा जो है कंपटीशन के लिए एलिजिबल होने का एक रूल नहीं है। चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा नहीं है पूछा है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी, वन शुड बी बिलो 40, ऐसा कोई रूल नहीं, आप किसी भी एज के होने के बाद भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है सेरेमोनियल ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट यूज इन, ओलंपिक में पहली बार कब झंडा प्रयोग किया गया ओपनिंग सेरेमनी में, तो एंटवर्प में 1920 में यूज किया गया। इसके बाद है आपको जो है मैच करने ओलंपिक के वेन्यूज कब कहाँ पे, कौन सा ओलंपिक, 1948 का ओलंपिक हुआ था लंदन में, 1980 का मास्को में, 1956 का मेलबोर्न, 1960 का रोम में। रोम में ही पहला डोपिंग का केस पाया गया था, जॉनसन नामक जो साइकिलिस्ट था वो मृत पाया गया था भाई। इसके बाद 63 विंटर ओलंपिक 2010 कहाँ पे आयोजित हुए थे भाई, 63 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैंकूवर। भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम जो है करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच समर ओलंपिक डिड इंडिया विन गोल्ड इन इंडिविजुअल इवेंट, कौन से समर ओलंपिक में पहली बार इंडिया ने जो है गोल्ड जीता था भाई, तो यहाँ पे 64 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक में जीता था भाई 2008 में, बीजिंग ओलंपिक 2008 चाइना में हुआ था, आपको वहां पे बताना किसने जीता था ये आपको ऑप्शन में बताना है भाई। नेक्स्ट है हु ब्रोक मार्क स्पिट्ज रिकॉर्ड ऑफ 7 गोल्ड होल इन स्विमिंग इन बीजिंग ओलंपिक 2008, किसने तोड़ा भाई स्विमिंग में जो है मार्क स्पिट्ज का 7 गोल्ड जीतने का स्विमिंग का रिकॉर्ड बीजिंग ओलंपिक में 2008 में माइकल फ्लैप्स ने भाई तोड़ा था, ये ऑप्शन बी। इसके बाद है विंटर ओलंपिक कब शुरू हुए, तो विंटर ओलंपिक शुरू हुए थे भाई 1924 में। इसके बाद है तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस थी भारत में प्राचीन समय में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्चरी ऑप्शन सी। इसके बाद है इन विच ईयर डिड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कम इन टू बींग, कब भाई ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी थी, तो 1954 में बनी थी भाई, ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेशनल फिटनेस क्रॉप्स कब शुरू हुई, तो नेशनल फिटनेस क्रॉप्स कब शुरू हुई थी 69 में, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1965 में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप्स आर करेक्टराइज बाई डिलिशियट बॉडी स्ट्रक्चर एंड पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किसमें होता है भाई ये एक्टोमार्फ में होता है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है भाई आईओसी का हेडक्वार्टर। इसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग विच इंडियन हैज नॉट बीन द मेंबर ऑफ आईओसी, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है आईओसी का मेंबर नहीं रहा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर में ऑप्शन दिया गया है डी, वल्लभ भाई पटेल जो है कभी भी आईओसी के मेंबर नहीं रहे, बाकी दोराबजी टाटा हो गए और जितने एस रणधीर सिंह हो गए ये सारे जो है इसके मेंबर रह चुके हैं। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ओलंपिक गेम्स वर नॉट कैंसल्ड, कौन से सालों में जो ओलंपिक गेम्स कैंसिल नहीं हुए, तो 1912 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे बाकी कैंसिल कर दिए गए थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इसके बाद है वट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डेज फॉर विच द ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड, कितने दिन चलते हैं भाई ओलंपिक गेम्स मैक्सिमम, 74 में राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज भाई। इसके बाद है ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इज नॉट होस्टेड, भाई जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम्स में तो कौन सा झंडा जो है नहीं फहराया जाता है, तो नेक्स्ट कंट्री फ्लैग जहाँ पे अगले साल ओलंपिक होने उस देश का झंडा वहाँ पे नहीं फहराया जाता है भाई। इसके बाद है द टॉर्च सेरेमनी इन ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग, किस ओलंपिक में टॉर्च सेरेमनी जो है पहली बार आयोजित की गई या इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्लिन ओलंपिक में भाई। इसके बाद है एशियन गेम्स वर कन्विंस्ड बाय, एशियन गेम्स किसके द्वारा शुरू किए गए,
किसने सलाह दी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी डी सोन दी भाई। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए, 1951। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुए, इंडिया में हुए थे, दिल्ली में। 2014 के एशियन गेम्स कहाँ पे हुए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया में भाई। इसके बाद सिटी ओलंपिया कहाँ पे है, ग्रीस में है। ओलंपियाड का क्या मतलब है, ओलंपियाड का क्या मतलब है, पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक्स, दो ओलंपिक्स के बीच का जो समय होता है उसको बोला जाता है ओलंपियाड, उसको बोला जाता है ओलंपियाड। तो 82 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम जो है करेगा। इसके बाद है द ओलंपिक मोटो 40s। ओलंपिक मोटो में जो 40s जो शब्द आता है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है स्ट्रोंगर भाई। इसके बाद है विच प्लेस इन ग्रीस डेवलप्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। जो प्राचीन जो देश था भाई ग्रीस उस समय का, वहाँ पे जो उस देश में कैसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जहाँ पे लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, उस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम था, तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा पैलेस्टाउस को बोला जाता था, जहाँ पे प्राचीन समय में लोग एक्सरसाइज कर सकते थे, जैसे आजकल स्टेडियम बोला जाता ना, उस समय में ग्रीस में जो ऐसा स्थान होता था जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको पैलेस्टा बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन टीम इन ओलंपिक गेम्स। तो इंडिया की तरफ से जो ओलंपिक में खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं उसको कौन सा संगठन जो कंट्रोल करता है, तो IOA, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी भाई। किसके द्वारा की गई, दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे, और नोहरेन ऐसा कुछ करके पहले इसके महासचिव थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो भाई बत्रा कुछ करके हैं एट प्रेजेंट टाइम, तो ये ऑप्शन मेन ऑप्शन में उसका राइट आंसर फिलहाल नहीं है। आप कॉमेंट में बताएं कि एट प्रेजेंट टाइम कौन है IOA के अध्यक्ष। इसके बाद हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स कोचिज इन इंडिया, जो हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स कोचिज को इंडिया में दिया जाता है वो कौन सा है, द्रोणाचार्य अवार्ड। नेशनल गेम्स हॉकी, वैसे तो आरटी लगाई गई कि उसमें हॉकी को जो है इंडिया का नेशनल गेम नहीं बताया गया है, लेकिन किताबों में आता है, क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आरटी कोई भी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। इसके बाद द टर्म मैराथन रेस इज नेम्ड आफ्टर, किसके स्थान पर मैराथन रेस का जो नाम पड़ा मैराथन भाई, तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेस के नाम पे है भाई ये। इसके बाद द नंबर ऑफ स्कूल ऑफ टॉट एसोसिएटेड विद फिलोसफी आर, कितने स्कूल हैं भाई फिलोसफी से संबंधित कितने प्रकार के, 90 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 भाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग कोर दूसरा क्या नाम है, तो ये हो जाएगा मेंटल लर्निंग भाई। कॉग्निटिव लर्निंग होती है समझ के कोई चीज़ याद करना या सीखना, तो मेंटल दिमाग से इंसान सीखता है, इसको ऐसे कोरिलेट आप कर सकते हो। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग रिस्पांस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग रिस्पांस, थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी भाई, 92 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पावलोव के द्वारा ये जो है दी गई थी भाई। इसके बाद हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म के फादर कौन है, ऑप्शन सी, रूसो प्रकृतिवाद के पिता हैं भाई। इसके बाद है विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसिज दैट एक्सपीरियंस इज की टू लाइफ, कौन सी जो फिलोसफी बताती है कि एक्सपीरियंस जो है लाइफ की चाबी है भाई, एक्सपीरियंस के द्वारा सब कुछ सीखते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म, प्रयोगवाद बताता है भाई सब कुछ हम प्रयोग से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसके बाद है प्लेटो को किस फिलोसफी का फादर माना जाता है, आइडियलिज्म का भाई। इसके बाद विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस टीचर एज ए रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट, तो आइडियलिज्म की फिलोसफी बताती है कि टीचर रोल मॉडल होना चाहिए बच्चे के लिए। इसके बाद व्हेन डिड रशियन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड ओलंपिक, पहली बार रशिया ने कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार रशिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हु वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर ऑफ एनिशियंट ओलंपिक, सबसे ज़्यादा भाई जीतने वाला व्यक्ति कौन था जिसने रिकॉर्ड बनाया प्राचीन ओलंपिक में, जिसने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की, तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा कोरोबियस, कोई राजा था भाई कोरोबियोस, कोरियोबोस भी इसको कुछ भी बोला आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है, तो ऑप्शन सी। इसके बाद विच ओलंप कंट्री टॉप इन मेडल टैली भाई, किस कंट्री ने बीजिंग ओलंपिक 2018 में मेडल टैली में टॉप किया था, 99 में राइट आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बाद है फर्स्ट विंटर ओलंपिक
कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस में भाई 1924 में। इसके बाद व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो राइट आंसर होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की फिलोसफी क्या है, क्या होनी चाहिए? प्रैग्मेटिज्म भाई, प्रयोगवाद, मतलब जो भी सीखते हैं एक्सपीरियंस से सीखते हैं। 103 नंबर, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द कस्टम ऑफ कैरिंग द फ्लेमिंग टॉर्च फॉर एथेंस टू द सिटी ऑफ ओलंपिक गेम्स? मतलब किसने शुरू की भाई ओलंपिक टॉर्च जो है जहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ तक लेके आने की प्रोसेस? एडोल्फ हिटलर ने शुरू की थी भाई जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग किस प्रकार बना है भाई ये पूछा है, तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है और ओलंपिक सिंबल दिया गया है, मतलब 5 छल्ले दिए गए हैं भाई। इसके बाद है अंडर हुज कंट्रोल वर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स? किसके अंडर जो है पहले ओलंपिक गेम्स जो है आयोजित हुए? तो किंग जॉर्ज वन के अंडर जो है आयोजित हुए थे भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज ट्रू? कौन सी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई वो मॉडर्न ओलंपिक, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक के बारे में सच है? तो यहाँ पे जो दी गई है 106 नंबर में ऑप्शन बी, ऑल पार्टिसिपेट मेंबर्स वर ग्रीक, मतलब जितने भी पार्टिसिपेट मेंबर थे, सॉरी 106 में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल पार्टिसिपेटिंग मेंबर वर मेल, मतलब सारे जितने भी पार्टिसिपेटिंग जो खिलाड़ी थे वो जो है सॉरी एक मिनट भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मॉडर्न ओलंपिक लिख दिया, यहाँ पे एनिशियंट ओलंपिक आता तो क्या होता कि सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो मेल, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एनिशियंट आएगा भाई। ठीक है, या ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से टाइप कर रखा है। इसके बाद वोमेन हैड सेपरेट कंपटीशन इन गेम्स ड्यूरिंग ओलंपिक्स विच वर हेल्ड एट ओलंपिक इन द ऑनर ऑफ? तो भाई ये जीएस की पत्नी थी गोडेस हेरा, उसके सम्मान में जो है वोमेन्स के लिए अलग से खेल आयोजित होते थे फीमेल के लिए। इसके बाद है द वर्ड एथलीट इन ग्रीक मीन्स, जो वर्ड है एथलीट ग्रीक भाषा में उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनी मेकर इसको बोला जाता है भाई ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट है इन विच ओलंपिक वॉज इट डिस्कवर्ड दैट ड्रग्स आर बींग यूज टू फॉर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट? पहली बार डोपिंग का केस कब आया भाई? 1960 के रोम ओलंपिक में। इसके बाद व्हाट वाज तक्षशिला इन एनिशियंट टाइम्स फेमस फॉर? तक्षशिला किसके लिए फेमस थी? आर्चरी आ चुका है पहले क्वेश्चन। इसके बाद विच मुस्लिम रूलर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो? तो कौन सा जो मुस्लिम रूलर था भाई जिसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी भाई? तो 111 नंबर में राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई, ये गुलाम वंश का शासक। नेक्स्ट है व्हेन वाज YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्मड? कब बना था भाई YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो ये बना था आपका 112 में राइट आंसर 1920 में भाई, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, अच्छी बक इसके पहले प्रिंसिपल थे। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? वही सेम क्वेश्चन, अच्छी बक। इसके बाद पहला व्यक्ति जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो विश्वनाथ आनंद भाई। इसके बाद ओलंपिक रिंग्स क्या इंडिकेट करते हैं? तो 5 कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद फिलिपिडियस वोजे क्या था ये? 116 में राइट आंसर ऑप्शन ए, एंथियन ग्रीक। इसके बाद विच मुगल, सॉरी वो कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल पोल वो था भाई, विच मुगल एम्पायर वॉज एसोसिएटेड विद गेम ऑफ पोलो? पोलो के साथ कौन सा जो मुगल एम्पायर है वो जुड़ा है? तो 117 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, औरंगजेब भाई, ये भी पोलो खेलता था। एगोग क्या था? एगोग कहाँ पे था? सॉरी ग्रीस में था भाई, ऑप्शन ए ग्रीस में। नेक्स्ट है हु वॉज द पिनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक? मेडिकल जिम्नास्टिक के पिता में किसको बोला जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को भाई। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द विंटर ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? विंटर ओलंपिक जो है पहली बार कब आयोजित हुए थे भाई? 1924 में भाई। इसके बाद है वहन एंड वेयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग यूज फर्स्ट टाइम? ओलंपिक फ्लैग कब यूज हुआ था फर्स्ट टाइम? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार यूज किया गया था भाई।
नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन ईयर कब बनी, 1927 में भाई। इसके बाद है 2008 में जो है पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था बीजिंग ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में, तो अभिनव बिंद्रा ने। मैंने आपसे पूछा भी था ना नीचे कमेंट में बताना किसने जीता था, ये क्वेश्चन आ भी गया। इसके बाद है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ समर ओलंपिक, तो 16 दिन चलते हैं भाई। इसके बाद है इन विच ईयर वर द एंशियंट ओलंपिक गेम बैंड, कब बैन हो गए थे, 394 AD में भाई। नेक्स्ट है एगोग प्राचीन ग्रीस में कोई कुछ भी था उसका क्या मतलब था, तो क्या मतलब था 126 में ऑप्शन ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन देने का फॉर्मल सिस्टम था। इसके बाद व्हाट वाज प्लेस्टा फेमस फॉर इन द एंशियंट ग्रीक, प्लेस्टा किस लिए फेमस था एंशियंट ग्रीक में, तो ये आपका एक प्रकार का जो है रेसलिंग स्कूल होता था भाई। डिडास्केलियम किस चीज के लिए फेमस था, ऑप्शन सी म्यूजिक के लिए भाई। 15th एशियन गेम्स कहां पे आयोजित हुए, ऑप्शन बी दोहा में। इसके बाद है पहला एशियन कंट्री जहां पे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो ऑप्शन ए मलेशिया में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एशियन गेम्स में पहली बार 1998 में कौन से गेम्स शामिल किए गए, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स भाई, ऑप्शन बी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1984 में। स्काई गॉड के नाम से कौन सा देवता फेमस था एंशिएंट ग्रीस में, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपोलो। गॉड ऑफ सी के नाम से कौन फेमस था ग्रीस में, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा पोजिडियम। अपोलो किसके लिए फेमस था, 135 में, ऑप्शन बी गॉड ऑफ हीलिंग। डिस्कस क्या होता था प्राचीन जो ग्रीक में, उसका क्या मतलब है डिस्कस का ग्रीक भाषा में, ऑप्शन ए ए थिंग ऑफ थ्रोइंग। 137 द मेन प्रोफेशन ऑफ ग्रीक वॉज, जो ग्रीक के निवासी थे उनका मुख्य काम क्या था, राइट आंसर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर भाई। नेक्स्ट है ए वीक चाइल्ड ब्रोन एंड यूज टू बी लेफ्ट ऑन द माउंट टाइगर्स फॉर डाइंग इन, मतलब कौन सा वो काल था जिसमें एक पर्वत से जो कमजोर बच्चों को फेंक दिया जाता था, 138 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पार्टा काल में भाई। नेक्स्ट है इन स्पार्टा एट द एज ऑफ 18 द अबो वर इनरोल्ड फॉर इन द सेक्रेट क्रॉप्स नोन एज, स्पार्टा में भाई ऐसी कोई फौज होती थी जिसमें 18 साल का बच्चा होने के बाद वहां पर भर्ती होता था, उस फोर्स का नाम पूछा है, वो फोर्स होती थी क्रेप्टिया, ऑप्शन सी। स्पोर्ट्स ग्राउंड को क्या बोला जाता था स्पार्टा काल में, ऑप्शन सी प्लेटेस्निस्टास। इसके बाद है हु आर द फर्स्ट टू स्ट्रिप नेक्ड इन द कंपटीशन, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहले जो लोग आपस में मतलब मरने मारने को उतारू हो जाते थे, टक्कर होती थी कंपटीशन में आपस में, वो किस काल के लोग थे, तो भाई वो होते थे स्पार्टन, ऑप्शन बी स्पार्टन लोग। इसके बाद हु इन्वेंटेड यूज ऑफ ऑयल इन जिमनेजियम, जिमनेजियम में ऑयल का यूज किसने शुरू किया, 142 में राइट आंसर ऑप्शन सी स्पार्टन्स ने भाई। इसके बाद द स्लेव ट्यूटर वर यूज टू टीच एट होमवर्क कार्ड, जो ट्यूटर घर पे लोगों को सिखाते थे वो क्या कहलाते थे, 143 ऑप्शन बी पेडागोज। प्लेस्टा किसके लिए फेमस था भाई, 144 ऑप्शन ए जिमनेस्टिक। नेक्स्ट है इन एथेंस द बॉयज वर इनरोल्ड इन कैडेट क्रॉप्स कॉल्ड, क्या बोला जाता था, 145 राइट आंसर ऑप्शन बी FEOBO, ये भाई ऐसा ही कुछ नाम है देख लेना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ल्यूजियम द पब्लिक जिमनेसिया वॉज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है भाई ये लेजियम, 146 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट है द टीचर ऑफ बॉल हु वर्कड अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेडो ट्राइब्स वर कॉल्ड, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्पेरिस्टिस। नेक्स्ट है आर्चरी के टीचर क्या कहलाते थे ग्रीस में, 148 ऑप्शन डी टॉक्सटस।
टॉक्सोटस. नेक्स्ट है द मेजर इन एनिशियंट ग्रीस वर नोन एज. जो मापा तोली करने वाले लोग थे वह क्या कहलाते थे भाई एनिशियंट ग्रीस में? ऑप्शन बी एलियापेटे. नेक्स्ट है मड बाथ कहाँ पे फेमस था? 150 ऑप्शन ए एथेंस में भाई. नेक्स्ट है वर्ड एथलीट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ से वर्ड एथलीट जो शब्द एथलीट वो कहाँ से आया भाई? 151 ऑप्शन बी ग्रीस से आया ये. इसके बाद है वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड एथलीट वॉज, क्या मीनिंग है इसका? 152 द कंटेस्ट, कंटेस्ट जो पार्टिसिपेट होते हैं वो मतलब है इसका. नेक्स्ट है द ग्रीक इम्फेसिस मोर अपॉन, ग्रीक किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे? 153 ऑप्शन ए भाई इंडिविजुअलिज्म, मतलब खुद को हेल्दी रखो. इसके बाद है व्हाट इज द मोटो रिटन ऑन द श्रीन ऑफ गॉड अपोलो इन ग्रीस, क्या लिखा था भाई मोटो वहाँ पे जो अपोलो गॉड की जो मूर्ति है उसके ऊपर? 154 ऑप्शन ए मेडन अगेन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर हेल्ड इन द होनर ऑफ गॉड पोजिडियम, किसके सम्मान में जो है जो गॉड पोजिडियम था उसके सम्मान में कौन से ओलंपिक, जैसे जीएस देवता के सम्मान में तो हो गया आपके ओलंपिक गेम, तो पोजिडियम भी उस टाइम का देवता था उसके सम्मान में कौन से गेम आयोजित होते थे? ऑप्शन ए इस्तीमियन भाई. इसके बाद है जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक तो होते थे, इसके अलावा एक गेम और होते थे, ऑप्शन बी निमियन भाई. और अपोलो के सम्मान में कौन से गेम्स होते थे? ऑप्शन सी पिथियन. किसने बैन किए? थियोडियसस 1 ने भाई. फुट रेस, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक वाज मेड फॉर फुट रेस बाय ग्रीक्स, ग्रीक में जो फुट रेस करवाने के लिए किस प्रकार का ट्रैक जो बनाया जाता था भाई? स्ट्रेट ट्रैक होता था, उसके ऊपर दौड़ाते थे. इसके बाद है पेंथाथलोन में जो दो शब्दों से मिलकर बनती है पेंथा और एथलोन, इन दोनों का क्या मतलब है? ऑप्शन सी फाइफ एंड लीव्स. इसके बाद प्लेटो अर्नड प्रोफेशनसी इन द गेम ऑफ, प्लेटो किस में परफेक्ट था भाई किस गेम में? 161 ऑप्शन बी रेसलिंग में. इसके बाद है फाउंडर ऑफ लेजियम, तो अरस्तु इसका फाउंडर था भाई. इसके बाद हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्लासिफाइड डिफरेंट एक्सरसाइज, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज को किसने सबसे पहले क्लासीफाई किया? ऑप्शन बी गैलन. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वॉज वर फर्स्ट प्रेस्क्राइब बाई, फिजिकल ट्रेनिंग के नियम पहली बार किसने प्रेस्क्राइब्ड किए भाई? 164 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गैलन. और जो पहले वाला क्वेश्चन है ना मैं माफी चाहूंगा उसका आंसर है अरस्तु भाई. प्लेस्टर ऑफ डिडास्कोलियम किसके लिए फेमस थे भाई, सॉरी किस काल में फेमस थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एथेंस ऑप्शन ए. प्लेस्ट्रा किसके लिए फेमस था? 166 में राइट आंसर स्विमिंग एंड बाथिंग के लिए भाई. डिडास्कोलियम किसके लिए फेमस था? 167 ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी म्यूजिक एंड ग्रामर. बॉयज को किसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी रोम में? ऑप्शन ए बाय देयर फादर, उनके पिता देते थे भाई. कैंपस मार्टियस इन एंशिएंट रोम वॉज, क्या था कैंपस मार्टियस? ऑप्शन ए मिलिट्री ग्राउंड भाई. व्हाट इज द फेवरेट पास टाइम ऑफ रोम्स रोमन्स, रोम में भाई टाइम पास का सबसे फेमस खेल क्या था? 170 ऑप्शन सी ग्लैडिटोरियल कॉम्बर्ट्स भाई. कोलिजियम इन एंशिएंट रोम किसके लिए फेमस था भाई? कोलिजियम एंशिएंट रोम में ऑप्शन डी ग्लैडिटोरियल कॉम्बर्ट्स के लिए भाई. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स भाई, एक सीक्वेंस दे रखी आपको बताने की कौन सा जो है ओलंपिक रिंग्स के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट जो है सीक्वेंस देता है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा 172 में राइट आंसर ऑप्शन ए ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड.
इसके बाद टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स अवार्डेड, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स अवार्डेड, किसको दिया जाता है भाई ओलंपिक गेम्स आयोजित करने का मौका, तो ये सिटी को दिया जाता है ना कि किसी देश को। नेक्स्ट है विच ओलंपिक वर लॉन्गेस्ट एज पर द ईयर ड्यूरेशन इन डेज, कौन सा ओलंपिक जो है अपन जैसे अब 16 दिन के होते ना तो ज़्यादा दिन का आयोजित करना पड़ा था, 174, ऑप्शन बी 1908 का लंदन ओलंपिक भाई। इसके बाद हाउ मैनी सिटीज है होस्टेड ओलंपिक मोर देन ट्वाइस, मतलब कितने जो सिटी हैं जो एक दो से ज़्यादा बार ओलंपिक को आयोजित कर चुके हैं, 175, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट है टू हुम डज द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया ओवन इट्स बर्थ, कौन लेके आया भाई इंडिया के अंदर ओलंपिक मूवमेंट को, राइट आंसर ऑप्शन बी दोराबजी टाटा लेके आए थे भाई। इसके बाद व्हाट अवार्ड वॉज गिवन टू द विनर इन एनिशियंट ओलंपिक गेम्स, एनिशियंट ओलंपिक में जो विनर होते थे उनको क्या अवार्ड दिया जाता था, ऑप्शन सी 110। विच इंडियन हैज द मोस्ट ओलंपिक अपीयरेंस टू हिज क्रेडिट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 113 में ऑप्शन ए डॉक्टर रणधीर सिंह करनी। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896, 179 में राइट आंसर किंग जॉर्ज वन ऑफ ग्रीस, इसने ओपनिंग की थी भाई। नेक्स्ट इन विच ओलंपिक डिड वोमेन पार्टिसिपेट फॉर फर्स्ट टाइम, किस ओलंपिक में पहली बार वोमेन ने पार्टिसिपेट किया था, वन तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट आर इवेंट्स इन मॉडर्न पेंथलॉन इन ओलंपिक्स, मॉडर्न जो पेंथलॉन होती है ओलंपिक में उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो है शामिल होते हैं, 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइडिंग फेंसिंग शूटिंग स्विमिंग एंड क्रॉस कंट्री रेसिंग होती है शामिल। इसके बाद है हाउ मेनी एंट्रीज पर इवेंट आर अलाउड इन ओलंपिक्स, मतलब एक देश से पर इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एंट्रीज आपको हो सकती हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद है इन विच ईयर वर द इंटरिम ओलंपिक हेल्ड, कौन से ओलंपिक में जो है इंटरिम ओलंपिक कब आयोजित किए गए पहली बार, 183 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1906 में। इसके बाद है व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द चीटर्स इन एंशिएंट ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक में जब कोई चीट करता था उसको क्या पनिशमेंट दी जाती थी, 184 में राइट आंसर दे ऑप्शन सी दे यूज टू बीटन बाय हंटर्स, उनको हंटर्स से पीटा जाता था। इसके बाद विच रोमन किंग वॉन प्राइज इन एंशियंट ओलंपिक्स बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स, कौन सा जो रोमन किंग था जिसने ओलंपिक में जो है मेडल जीते थे जो ऑफिशियल्स हैं उनको मतलब खरीद कर या गड़बड़िया करके, 185 में राइट आंसर ऑप्शन सी किंग नेरो था भाई ये। इसके बाद है विच इन विच ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर्स, किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण मेडल जो है दिए गए थे, किस ओलंपिक में, 186 में राइट आंसर ऑप्शन बी 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सोने के मेडल दिए गए थे भाई। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड पी बी कुबर्टिन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक डाइड, किस ईयर में जो फादर हैं वर्तमान जो ओलंपिक मॉडर्न जो ओलंपिक उसके पिता में उनको बोला जाता है उनकी डेथ हो गई थी, तो 1937 में उनकी डेथ हो गई थी भाई। इसके बाद है हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक इन 1896, तो पहले जो मॉडर्न ओलंपिक 1896 में उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 188 में राइट आंसर ऑप्शन सी 13 देशों ने भाई। इसके बाद इन विच ओलंपिक्स वॉज द ओलंपिक ओथ एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस ओलंपिक में जो है पहली बार ओलंपिक ओथ को लिया गया एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया, तो 189 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ओथ ली गई थी भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द हाईएस्ट वेन्यू फॉर ओलंपिक्स, कौन सा जो है हाईएस्ट वेन्यू रहा है ओलंपिक अब तक जो आयोजित हुए हैं, तो वो आपका रहा है 190 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इलियड ओडिसी किसके द्वारा लिखे गए थे भाई, होमर के द्वारा। इसके बाद बॉडी ब्यूटीफुल वाज द आइडल फॉर, किसका आइडल था बॉडी ब्यूटीफुल, 192 में राइट आंसर ग्रीक। नेक्स्ट है द टर्म सीटीएस का क्या मतलब ओलंपिक मोटो में, सीटीएस का क्या मतलब है, ऑप्शन बी फास्टर।
इसके बाद है द बॉडी विच कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स, तो IOA कंट्रोल करती है, पहले भी आज का क्वेश्चन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कॉन्स्टिट्यूट पेंटाथलोन इन एनशियंट ओलंपिक, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं पेंटाथलोन में, एनशियंट ओलंपिक में जो होती है उसमें क्या क्या चीज़, क्या क्या इवेंट शामिल होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट, रनिंग, जंपिंग, डिस्कस, जेवलिन और रेसलिंग इसमें शामिल रहता है। इसके बाद है विच सिटी स्टेट इम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ वॉरियर्स थ्रू एजुकेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 196 में, ऑप्शन सी एथेंस में भाई। इसके बाद है द एम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन वॉज टू प्रोड्यूस, जो स्पार्टन थे उनके एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या प्रोड्यूस करना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी वॉरियर्स योद्धाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेडियम वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896, क्या था उस स्टेडियम का नाम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैन एथेनिक स्टेडियम एथेंस। नेक्स्ट है हु सजेस्टेड मॉडर्न पेंटाथलोन इन ओलंपिक्स, किसने सलाह दी भाई मॉडर्न पेंटाथलोन जो है ओलंपिक खेलों में शामिल करने की, तो ऑप्शन सी बीपी कुबर्टिन बैरन डी कुबर्टिन भाई। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड, कौन ओलंपिक गेम्स के बंद होने की घोषणा करता है क्लोजिंग सेरेमनी में, तो यहाँ पे राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ IOC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैरालंपिक्स डिड इंडिया विन ए गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट टाइम इन जेवलिन थ्रो इवेंट, पैरालंपिक में पहली बार किस ओलंपिक में जो भारत ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, ऑप्शन सी एथेंस 2004 में भाई। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ IOC ऑन इट्स इंस्पेक्शन वर, भाई जब भी किसी स्थान का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो कितने मेंबर्स वहाँ पे होते हैं, 202 में राइट आंसर ऑप्शन सी 14। हु वॉज द फर्स्ट IOC प्रेजिडेंट, डर्मेटस विकेलिस थे भाई पहले प्रेजिडेंट। नेक्स्ट है हु सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ IOC मैक्सिमम ईयर, सबसे ज़्यादा सालों तक IOC के प्रेजिडेंट कौन रहे थे, PLD कुबर्टिन रहे थे भाई 1896 से लेकर 1925 तक। कम आउट एंड प्ले वॉज द एंथम ऑफ, कम आउट एंड प्ले ये किसका एंथम था भाई, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का ये थीम था भाई। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग और नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी, डेफिनेशन किसकी है भाई, हेल्थ की है। नेक्स्ट है व्हाट सॉरी फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस इज गोल्डन एज इन विच एंशियंट कंट्री, ग्रीस में भाई गोल्डन काल रहा फिजिकल का। इसके बाद इन विच पैरालंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम कंपटीशन फॉर मेडल्स वॉज पार्शली स्टार्टेड फॉर ब्लाइंड एथलीट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोरंटो 1976। इसके बाद विच कंट्री टॉप्ड इन मेडल टैली इन बीजिंग पैरालंपिक्स 2008, 209 में राइट आंसर चाइना भाई। नेक्स्ट है द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एवरी ईयर फोर्थ ईयर, ये थे भाई 210 क्वेश्चन, ओलंपिक से संबंधित सारी बातें यहाँ पे कवर हुई। यहाँ पे और भी बेसिक्स क्वेश्चन आपने देखे, बहुत सारे क्वेश्चन शामिल थे। टोटल जो हमारी वीडियो बनी है वो एक घंटा की भी नहीं, सिर्फ 53 मिनट की ये वीडियोज बनी है, लगभग एजुकेशन से संबंधित बात हुई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हो, पहले भी हम लगभग 290 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और 210 क्वेश्चन ये भाई, तो टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो गए 500 क्वेश्चंस हो गए आपके मैराथन क्लास के। इसी प्रकार हर वीक में एक यूनिट की मैराथन क्लास आती रहेगी। DSSB एग्ज़ाम में आप यकीन मानिए इसमें से आपको अपने TGT के पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो ये मैराथन क्लास हमारी चल रही है एट प्रेजेंट टाइम। इसलिए भाई बने रहें साथ और हर वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर भी किया करो दोस्तों के साथ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।